गुड़सराय नगर में डॉक्टर स्वर्गीय महावीर शरण कौशिक की स्मृति में नगर में बनाए गए स्मृति द्वार का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चित्रकूट से महंत राम हृदय दास जी महाराज उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक जवाहरलाल राजपूत एवं नगर पालिका अध्यक्ष पंडित देवेश पालीवाल, मुख्य अतिथि महंत राम हृदय दास जी महाराज का स्वागत व माल्यार्पण किया। स्मृति द्वार के लोकार्पण के बाद मुख्य अतिथि महंत राम हृदय दास जी महाराज ने आशीर्वाद रूपी संबोधन करते हुए कहा कि सहयोगी एवं असहयोगी दोनों की वंदना रामचरितमानस में की गई है। जब कार्य पूर्ण हो जाता है तब असहयोग करने वाले भी सोचते हैं कि इस कार्य में हमारा सहयोग हो जाता तो अच्छा रहता। उन्होंने स्वर्गीय महावीर शरण कौशिक की दोनों पुत्रियों अपूर्वा एवं आकांक्षा के साहस की प्रशंसा करते हुए कहा कि अपने पिता की याद में उन्होंने यह पुण्य कार्य किया है। उन्होंने कहा, जीते सभी हैं, लेकिन दूसरों के लिए जो जिए वही जीवन है। इसके पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष पंडित देवेश पालीवाल ने महापुरुषों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्मृति में द्वार पर गलियों के नामकरण को शीघ्र पूरा किए जाने की बात कही। इस दौरान नगर के पत्रकारों को सम्मानित किया गया। झांसी से सुनील जैन की रिपोर्ट। लोकार्पण हुआ है, इसमें आपको क्या कहना चाहेंगे? जो पिता की याद में इन बच्चियों ने गेट बनवाया है, इसमें आप क्या कहेंगे? कि समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने लिए तो कुछ नहीं करते, लेकिन वास्तव में समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। ऐसे याद नहीं, हमारे कौशिक जी थे और ये बिटियों ने, दादा ने ये विचार करके कि वास्तव में ऐसे महापुरुषों को याद करना चाहिए, और इसीलिए आज हमें लगता है ये गेट का शुभारम्भ आज हुआ है। अपूर्वा जी, आपने स्मृति द्वार बनवाया, इसकी प्रेरणा आपने आपको किसने दी? हमारी माँ ने हमें पढ़ाया लिखाया, इतना सक्षम बनाया कि हम ये कर सके। उन्हीं की प्रेरणा के वजह से हम इतना कुछ कर सके हैं, ताकि हमारे पापा को लोग याद कर सके, उनके बारे में सोच सके। इस गेट बनवाने में आपको काफी कठिनाइयाँ आई होंगी? हाँ, काफी कठिनाइयाँ आई हैं, लेकिन ये था कि हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, हमें अपने पापा के लिए कुछ करना था, तो कठिनाइयाँ भी हम लोग पार कर गए।